अहम खबर देंगे सियालकोट से, जहां थाना कोटली लोहारा की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस के मुताबिक चार डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। हलाक होने वाले डाकुओं में अनवर अली, नवेद और रिजवान शामिल हैं। वह खबर आपको दे रहे हैं सियालकोट से, जहां थाना कोटली लोहारा की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। बात करेंगे नुमाइंदा अब तक सखावत मुगल से। सखावत, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सियालकोट में थाना कोटली लोहारा का ये इलाका है जहां पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस मुकाबले के दौरान बताया जा रहा है कि अपने ही साथियों की जो फायरिंग से चार डाकू जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। हलाक होने वाले डाकुओं में अनवार उर्फ टिड्डे अली, नवीद और रिजवान शामिल हैं। एसएचओ थाना कोटली लोहारा इरफान शेर का कहना है कि 10 डाकुओं ने खरोटा के करीब राजनी के लिए घात लगा रखी थी और वारदात कर रहे थे। इस दौरान दो शहरियों इमरान और जहीर को डाकुओं ने रोका तो ना रुकने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अपने ही साथियों की फायरिंग से चार डाकू हलाक हो गए। इस फायरिंग में हलाक होने वाले अनवार उर्फ टिड्डा, जिसने जो के पुलिस को मंशियात फरोची और पुलिस कांस्टेबल जुबैर को शहीद करने का इल्जाम में मतलूब था। दो रोज कबल करोटा सैदा में मंशियात फरोच के अड्डे पर पुलिस छापे के दौरान अनवार टिड्डा और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में हेड कांस्टेबल जुबैर जो है शहीद हो गया था। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दी है। ठीक है सखावत मुगल, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए।